हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत आपके मेरे चैनल वीर बजरंगी में। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए आज एक उपाय बताऊंगा जो बेचारे नौकरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं, इंटरव्यू देते देते परेशान हो गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो पूरे पूरे चांस है कि आप जिस नौकरी में भी मतलब आप कदम उठाएंगे वो नौकरी आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उपाय कुछ ज्यादा भारी नहीं है, हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी नौकरी के मामले में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, पूरी एक एक बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बहुत छोटा सा उपाय है, थोड़े बहुत काम में तो हर किसी में मेहनत लगती है। दोस्तों आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपको एक काम करना है, आपको एक लोटे में जल लेना है, अगरबत्ती लेनी है, दो अगरबत्ती लेनी है और पांच आपको बतासे लेना है। जी हाँ दोस्तों, इतना काम करके आपको एक बरगद के वृक्ष के पास जाना है। जी हाँ दोस्तों, बरगद का पेड़ जो होता है ना, वहां पे आपको इन चीजों को लेकर जाना है। बस वहां पर जाकर आप दोस्तों, आप सबसे पहले तो बरगद के वृक्ष को मतलब आप जो है जो जल लेके गए उस जल को चढ़ाएं, फिर आप वहां पे जो है मतलब अगरबत्ती दिखाएं और वहीं पे आप पांच बतासे चढ़ा दीजिए और अगरबत्ती भी वहां पे लगा दीजिए। आपको सिर्फ इतना काम करना। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि बरगद के पेड़ पे आप पूर्व दिशा की मुख करके बैठेंगे। जी हाँ, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आप इतना काम करने के बाद आपको उस बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ के अपने घर लेके आना है। जी हाँ, उस पत्ते के तोड़ को आप अपने घर ले गए और उसे फिर आपको गंगा जल से धोना है और उसके बाद आप उस पर लाल चंदन से ओम हनुमते नमे लिखना है। जी हाँ, लाल चंदन से उस पर ओम हनुमते आप उस पर लिख दीजिए, उस पत्ते पर जो आप घर तोड़कर लेके आए हैं। फिर दोस्तों पत्ता घर लाने के बाद आप अपने घर पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाएं। फिर दोस्तों उस पत्ते पर आपको दो लौंग रखनी है। जी हाँ, आपको उस पत्ते पर दो लौंग रखनी है और उसके बाद मैं आपको वीडियो की स्क्रीन में एक शावर मंत्र दिखा रहा हूँ, इसका आपको 108 बार जप करना है। जब आप 108 बार जप कर लें उसके बाद आपको उन दोनों लोगों को एक लाल कपड़े में बांध लेनी है। फिर दोस्तों जब आप उन दो लोगों को लाल कपड़े में लपेट कर रख लें, फिर आप उस पत्ते को मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद दोस्तों आपको ये काम हर 11 मंगलवार को लगातार करना है। जी हाँ, ये काम आपको हर मंगलवार को लगातार करना है और जितनी भी आपके पास लोंगे इकट्ठी हो जाएं, उसे आप लाल कपड़े में इकट्ठे करते रहिए। बस दोस्तों आपको इतना सा काम करना है। अब दोस्तों जब भी आप किसी भी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाएं, तो जो मैंने आपको मंत्र दिखाया इसका आप 21 बार पाठ जरूर करें। इस मंत्र को आप 21 बार जरूर जपें जाते हुए, जिस दिन आपको जाना उस दिन इस मंत्र को आपको 21 बार जप करना है और जो आपने लोंगे इकट्ठी करनी उनमें से एक लोंग को आपको खाकर जाना है। बस दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जिस भी नौकरी को पाने के लिए जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको गारंटी से उसमें कामयाबी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए इंटरव्यू देते देते, तो आप ये उपाय करके जाइए, फिर देखिए आपके साथ कैसा चमत्कार होता है, आपको वो नौकरी कितनी जल्दी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।